अपडेट आ रही है अजय देवगन के सक्सेसफुल यूनिवर्स सिंघम को लेकर के, जिसकी अगली फिल्म के अनाउंसमेंट हो गई है। फिल्म का नाम सिंघम अगेन होगा और इसे रोहित शेट्टी डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म जल्द ही शुरू होने वाली है, सो इस मूवी से रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कब्जा मूवी को लेकर के, जिसका टीजर आउट हो गया है। फिल्म पीरियड ड्रामा होने वाली है, जिसमें उपेंद्र, किचा सुदीप और श्रिया शरण मुख्य भूमिका में होगी। वहीं फिल्म 7 भाषा में रिलीज होने वाली है, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और मराठी शामिल है। अभी इस मूवी का ट्रेलर आना बाकी है, सो इस मूवी से रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म शाम बहादुर को लेकर के, जिसका रिलीज डेट कन्फर्म हो गया है। फिल्म 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। अब बात करें इसके स्टार कास्ट की, तो फिल्म में विक्की कौशल के साथ फातिमा साना शेख और सानिया मल्होत्रा मुख्य भूमिका में होगी। वहीं फिल्म को मेघना गुलजार डायरेक्ट करने वाली है, सो इस मूवी से रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फ्रेडी मूवी को लेकर के, जो आज होते स्टार पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में कार्तिक आर्यन डेंटिस्ट के रोल में दिखने वाले हैं और उनके अपोजिट में अलाया मुख्य भूमिका में होगी। सो अगर कार्तिक आर्यन के फैन हो तो फिल्म देख लो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एक्शन हीरो मूवी को लेकर के, जो आज रिलीज हो गई है। फिल्म एक्शन ड्रामा होने वाली है, जिसमें आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत मुख्य भूमिका में होंगे। वहीं आयुष्मान की पिछली फिल्में फ्लॉप रही थी, सो अब देखो इसका क्या हाल होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गुड बाय मूवी को लेकर के, जो आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में रश्मिका मंदाना, अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता मुख्य भूमिका में होगी। वहीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई थी, तो अगर रश्मिका के फैन हो तो फिल्म देख डालो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मधुर भंडारकर की इंडिया लॉकडाउन मूवी को लेकर के, जो आज G5 पर रिलीज हो गई है। फिल्म में प्रतीक बब्बर, साई तमाकर और श्वेता बासु मुख्य भूमिका में होगी। फिल्म COVID-19 पैंडेमिक पर बेस्ड है, सो अगर मधुर भंडारकर के फैन हो तो फिल्म देख डालो। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।